Hello, dear students, hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I be Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. Today we will go with chapter 10 Reaching at the Age of Adolescence. Do you know what is the meaning of adolescence? Adolescence is a period of person's life between being a child. एंड बिकमिंग एन एडल्टे पर्सन की लाइफ का वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी पर्सन न चाइल्ड रहता है और ना ही वो एडल्ट होता है मीन्स चाइल्ड और एडल्ट के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम एडोलिसंस पीरियड कहते हैं इसको टीन एज के नाम से भी हम और जान सकते हैं इट्स द एज इज बिटवीन अबाउट थर्टीन And 17 लेट स्टार्ट द चैप्टर इन द प्रीवियस चैप्टर इससे पहले चैप्टर में यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस आपने ये लर्न किया आपने ये सीखा कि एनिमल किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस आपको पता है ये वो पीरियड होता है ग्रोइंग अप जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं है ना उस एज का पीरियड होता है जब ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रोइंग अप होने के बाद व्हाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज ह्यूमन एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी फ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में आप ये लर्न करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं जिसके बाद कोई भी पर्सन कोई भी ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करने के केपेबल हो पाता है ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं ग्रोइंग अप होने के बाद एडल्ट एज में जिसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकता है इन चैप्टर नाइन यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चैप्टर नाइन में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में है ना हेव वी शेल डिस्कस द रोल ऑफ द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इन टू एन एडल्ट यहाँ हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं है ना उनमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है जो एक चाइल्ड को एडल्ट बनाने में हेल्प करता है मीन्स जब एक चाइल्ड ग्रो करके एक एडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं है ना और उनमें कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में

पहली जो थी वो गर्ल स्कूल में पढ़ती थी शी स्टार्टेड लाफिंग वो लाफ मतलब हंसने लगी शी रिमार्क इन हाइट पहली ने ये कहा कि जैसे मतलब जो बूजोस के स्कूल फ्रेंड थे जिनसे वो वन ईयर पहले मिली थी है ना सडनली वो हाइट में इतने ज्यादा कैसे बड़े हो गए उन्होंने इतना हाइट कैसे गेन कर लिया सम ऑफ देम व लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अब देयर लेप्स उनमें से कुछ जो थे वो उसे बहुत फनी लगे क्योंकि उनके लेप्स के ऊपर कुछ हेयरी लाइन आ गई थी है न तो उसे वो फनी लगा हर मदर एक्सप्लेन द बॉयज हैड ग्रोन अप उसकी मामा ने उसे कहा कि ये जो बॉयज़ हैं ये क्या हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं एंड यू नो आपने भी देखा होगा कि जब बड़े हो जाते हैं है ना बॉयज अगर बड़े हो जाते हैं तो उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न हमारी बॉडी में जब से हम बॉर्न होते हैं मीन्स जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ टेन और इलेवन बट जब हम टेन और इलेवन की एज को क्रॉस करते हैं देर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ एक सडन चेंज होता है जो कि नोटिसेबल होने लगता है मीन्स हम हम उसे नोटिस करने लगते हैं द चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप अगर हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मीन्स क्या है कि हम ग्रोइंग अप हो रहे हैं हम बढ़ रहे हैं दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट यह आपको क्या इंडिकेट करता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे आप कहाँ पे एक एडल्ट वाली एज में जाने के रास्ते पे हैं मतलब आप एक अब एक एडल्ट बनने वाले हैं ंग आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी है कि ये जो पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी में, हम में चेंजेस हो रहे हैं ये कब तक होगा नौसीब वॉट पहली सेंग इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ ये हमारी लाइफ का सबसे स्ट्रेंज पीरियड होता है वेन यू आर नीदर आ चाइल्ड जब आप अपना चाइल्ड होते हैं और ना आप एडल्ट होते हैं मीन्स अभी आप इतने बड़े भी नहीं होते और अब आप इतने छोटे भी नहीं रहते आई वंडर whether दिस पीरियड बिटवीन चाइल्ड हुड एंड एडल्ट हुड हैड अ स्पेशल नेम वो वंडर है ये जान के कि चाइल्ड हुड और एडल्टुड के पीरियड के बीच ये जो बीच का पीरियड होता है चाइल्ड हुड और एडल्टुड का इसको एक स्पेशल नेम क्या था